इसमें क्या करना है ये भी समझ जाएगा तो आपको इसमें रहेगा। तो नेक्स्ट है जर्मिनेशन। इसको अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन को हम अंकुरण कह देते हैं। तो इसमें अंकुरण किसको कहते हैं, चाहे वो बीज हो या स्पोर हो, इसको डेवलपमेंट ऑफ मैन ऑफ शील और इसको आ नो है जर्मनी। जर्मिनेशन हम उसको कह देते हैं जब किसी बीज में या स्पोर में या कायिक जनन होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें माइटोसिस के ऊपर उपरण हो जाता है, तो उनमें जो वृद्धि प्रारंभ हो जाती है इन फेवरेबल कंडीशन अनुकूल पर्यावरण या जो फेवरेबल कंडीशन होती है, तो जो बीजों में और जो संजाई इत्यादि के जो स्पोर इत्यादि होते हैं, इनमें जो वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है, इसको हम अंकुरण कहते हैं या जर्मिनेशन कह देते हैं। खासकर कवकों में स्पोर जर्मिनेशन की बात आती है, ये जो स्पोर होते हैं इनका अंकुरण, ये पैथोलॉजी में विशेष रूप से आता है। तो ये अंकुरण जानते हो डेवलपमेंट ऑफ दी शीट और स्पोर नोन एज जर्मिनेशन। नेक्स्ट ब्लाइट। शरण डेथ और पोस्ट इशू इसमें जो ब्लाइट होती है, ब्लाइट को हम हिंदी में अंगमाल कहते हैं। ब्लाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंगमाल। जैसे इसके उदाहरण है ये जी अली ब्लाइट, अली ब्लाइट, लेट ब्लाइट,
डाइट ऑफ पोटेशियम। तो जो ये ब्लाइट होती है, ब्लाइट में जो पत्तियां होती हैं इनके शरण जाते हैं, ये जल्दी से मर जाते हैं, इनकी पत्तियों में स्पॉट पड़ते हैं और जुड़वे की सडन डेथ हो जाती है। इस प्रकार से जो बीमारी आती है और वो झुलसी हुई जैसी वर्म अपीयरेंस, झुलसी हुई जैसी वर्म अपीयरेंस। प्लांट शो वर्म अपीयरेंस, तो इनमें सडन डेथ हो जाती है जिससे कि पौधा झुलसा हुआ भी होता है। ये डाइट का उदाहरण हो गया अर्ली डाइट ऑफ पोटैटो, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। ये भी फंगस है अल्टरनेरिया सोलेनाई, और ये दूसरा इसका उदाहरण मान लो रेड डाइट ऑफ पोटैटो, जिसकी ये भी फंगस है जो कि फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा यह रोग लगता है, और ये ओयोमाइसिटिस के अंतर्गत आता है फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस। और फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस के कारण ही आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था 1845 में एक अकाल पड़ा था। सो दैट इज वेरी डेंजरस डिजीज। तो ये किस प्रकार से जो वर्म अपीयरेंस शो करता है होस्ट या प्लांट, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइट। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लूगोनियम। ओवोमाइसिटिस के कवकों की अंडा, जिसमें कि युग्मक धानी, जिसमें कि युग्मक बनते हैं। युग्मक को क्या कहते हैं? गैमेट। गैमेट बनते हैं, इसको हम ओगोनियम कह देते हैं। ये ओवोमाइसिटिस में मादा अंडधानी है, जिसमें कि फीमेल नेक्स्ट है टू स्पीयर। टू स्पीयर या टू स्पीयर को हिंदी में हम अंडगूल कहते हैं। अंडगूल, तो ये अंडगूल क्या होता है? अंडधानी में
अन्नधानी में एक नग अनसिद्ध अनसिद्ध वड़ा अचल माला युग्म, इसको हम कह देंगे कुष्पियत। कुष्पियत क्या होता है? जब किसी मादा धानी में एक बड़ा अचल, एक बड़ा अचल मादा युग्म बनता है जो कि अनिषेचित होता है, जो कि निषेचित नहीं होता है। इस प्रकार से जो बड़ा गोल अंडा होता है वो अनिषेचित होता है, और जो चल भी नहीं सकता है अचल है, उसको हम कुष्पियत कह देते हैं। अब आपने समझ लिया, कुष्पियत उसे कह देते हैं जो कि अंडधानी में उगोनियम में, अंडधानी मीन्स में एक बड़ा नग अनसिद्ध मादा युग्म जो गैमेट होगा उसे हम कुष्पियत या अंडकोष कह देते हैं। फिर है एंडोस्पोर, इंडोस्पोर को हिंदी में हम कह देंगे अंतर्बीजा, अंतर्वर्ती बीजा। ये इंडोस्पोर क्या होता है? इन बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया या जीवाणु कोष का केंद्र, जीवाणु कोष का केंद्र के अंदर एक बड़ा जीवाणु कोशिका के अंदर एक बड़ा मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त अचल बीजा, अचल बीजा। देखो ये क्या है? ये जो बीजाणु है ये जीवाणु कोशिका के अंदर बनता है, जैसे ये जीवाणु कोशिका है, और ये इंडोस्पोर तब बनते हैं जब कि किसी जीवाणु के लिए या बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं ये अंदर पानी को कम कर लेते हैं या पानी के सूख जाकर के सतह के रूप में अंतर बीजाणु बन जाते हैं, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें बीजाणु सर्वाइवल करता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है या अनुकूल वातावरण आता है, अनुकूल वातावरण में
इसका जो डीएनए होता है, डीएनए पुनः पानी को अवशोषित कर लेता और ये पुनः अंकुरण कर जाता है और अंकुरण करके रोग उत्पन्न कर देता है। तो सर्वाइवल ऑफ स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन, सो दे मेक द थिक वॉल स्पोर नोन एज इंडोजीनस। तो ये इंडोजीनस कोशिका के अंतर्गत बीच में ये इस प्रकार से अपने जीव जंतु को शिपोर करके इंडोस्पोर की रचना करते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। फिर है इंडो पैरासाइट। अंतःपरजीवी क्या होंगे? एक ऐसा परजीवी जो परपोषी के अंदर रहता है, पोषी के अंदर रहता है, ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। उसको हम क्या कहेंगे? इंडोपैराशाइट या अंतःपरजीवी। एक ऐसा परपोषी जो कि ऐसा परजीवी पैरासाइट। परजीवी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। एक ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर रह करके पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। जैसे ये होस्ट है और इस शरीर का भेदन करके जो परजीवी है उसके अंदर स्टैब्लिश हो जाता है और यहाँ से ही अपने भोजन को ग्रहण करता है या अवशोषित करता है। इस प्रकार की जो उत्पन्न होती है उसको हम इंडोपैरासाइट कह देते हैं। और यदि कोई परपोषी ऊपरी सतह पर जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, ये तो इंडोपैरासाइट की बात हो गई कि परपोषी में कोशिकाओं के अंदर एंट्री कर गया, जैसे कि रक्त आदि। इसका उदाहरण रक्त पीट पानी, जो गेहूं का रस होता है उसमें पक्सिनिया ग्रेमिस्टिडसाई नामक कवक उसके अंदर परपोषी के अंदर सतह में चला जाता है और वहीं पर वो अपनी मैट टाइप स्ट्रक्चर बनाता है और वहीं से वो भोजन को ग्रहण करता है परपोषी से। तो ये इंडोपैरासाइट में आप एग्जाम्पल देख लीजिए रस्ट ऑफ वीट, जबकि इसी में आप दूसरी तरफ देखें इंडो हो गया,
जो कि ये स्टेम के अंदर या पत्ती के अंदर या जड़ के अंदर कहीं भी है, ये परपोषी के अंदर ही इसकी एंट्री होगी। इनको हम कह लेंगे एंडो पैरास्टेम। जैसे कि कुछ नेमेटोड आदि होते हैं जो कि भेदन करके अंदर स्टेटस हो जाते हैं और यहीं से भोजन को ग्रहण करते हैं परपोषी पे। इस प्रकार की जो फिनोमेना होती है उसको हम एंडो पैरासाइट कह देते हैं। फिर इसमें एक है एक्टोपैरासाइट या वाइट। जैसे हमारे जो मिल्डू इत्यादि हैं, जितने भी मिल्डू हैं, दो प्रकार के मिल्डू हैं, पाउडरी मिल्डू एंड डाउनी मिल्डू, तो इसमें क्या होती है सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ पैथोजन। अब वो चाहे डाउनी मिल्डू हो या पाउडरी मिल्डू हो, लेकिन इसमें जो ग्रोथ कैसी होगी सुपरफिशियल होगी। कहने का मतलब ये जो फंगस होगा, जो मिल्डू का फंगस होगा, चाहे वो डाउनी हो या पाउडरी मिल्डू हो, इसमें ग्रोथ कैसी होगी सुपरफिशियल ग्रोथ होगी। इसका मतलब ये परपोषी की ऊपरी सतह पर ग्रोथ होगी, पत्तियाँ होंगी, पत्तियों के ऊपरी सतह पर होंगी, स्टेम होगा, स्टेम के ऊपरी सतह पर होंगी। लेकिन ये जो परजीवी है इसका या इसका जो रोगजनक है, ये परपोषी के अंदर एंट्री नहीं करेगा और यही बाहर से ही ये अपने भोजन को फास्टूलिया बना करके इसके अंदर एंट्री कर देंगे और यही से अपने भोजन को अवशोषित करेंगे। तो इस प्रकार की जो नमूना होगी, जो संरचना होगी, दैट इज एक्टोफिली, मतलब ये वाहक परजीवी है। जैसे ह्यूमन में चिचड़ी इत्यादि है जो बाहर रह करके ही अंदर से खून को चूसती है या अपने भोजन को अवशोषित करती है, तो ये परपोषी के अंदर नहीं जाते हैं और ये परपोषी के बाहर ही स्टेब्लिश हो जाते हैं और वहीं से ही ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज इक्टोपैरासाइट। थैंक यू।